वेलकम टू एसपांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको समंजय सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 12th मैथ बुक का मैट्रिसेस का मैं एक्सरसाइज 3.1 का 5 नंबर से बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप लोग सभी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिएगा, एक 3×4 कोटि का अव्यय की रचना करें जिसके अवयव इन दोनों से प्राप्त है। इसमें दो सवाल है, ठीक है ना। 3×4 कोटि, इसका अर्थ हो रहा है कि ऐसा अवयव हमको बनाना है, मैट्रिसेस बनाना है जिसका रो आपका 3 होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ए आई जे यानी 3 उसका रो होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, 4। देखिए 1, 2, 3, तो रो आपका 3 हो गया, 1, 2, 3, 4, कॉलम क्या हो गया, 4। तो 3×4 इसके द्वारा सेटिस्फाई होगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, ए आई जे है, तो सबसे पहले ए आई जे इक्वल टू क्या दिया, 1/2 - 3i + j के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है। वन नंबर बता रहे हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए 1 निकालेंगे क्योंकि ए 1 होता है, तो 1/2। अब देखा जाए बाबू -3 × i, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये i है और ये आपका j है, 3×1 प्लस j, j का वैल्यू 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए -3×1 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1/2। अब देखा जाए -3+1, तो अब -3+1 यानी -2, तो ये मॉड में है तो मॉड में तो नेगेटिव नहीं होगा, तो 1/2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं ले सकते, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 1। तो a11 का वैल्यू क्या हो गया 1। अब देखा जाए a12 निकालेंगे, a12 तो a12 i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू क्या 2 है, तो 1/2। अब देखा जाए -3 × i, i का वैल्यू 1 और प्लस j, j का वैल्यू क्या 2। तो अब देखा जाए -3 × 1, -3 हो गया, -3 और प्लस 2 -1 होगा, तो -1 × 1 तो ये हो जाएगा आपका -1/2 होगा ना, क्योंकि -3 × 1 तो हो जाएगा आपका -3, -3 + 2 इक्वल हो जाएगा -1। तो अब ध्यान दीजिएगा एक बात, -3 और 1 यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये मॉड में है, इसमें है मॉड में, मॉड में हम नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा a13, अब देखिए a13 i का वैल्यू कितना 1 और j का वैल्यू क्या 3, तो 1/2। यहाँ देखिए क्या है -3i, तो -3 × i, i का वैल्यू कितना है 1 और फिर क्या है प्लस जी, तो जी का वैल्यू क्या है 3, तो जी का वैल्यू 3 कर दी, तो 3 × 3 × 1, तो -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, 1/2 × 0 क्या 0 हो गया। अब देखिए a13 के बाद अब क्या निकालेंगे, a14 निकालेंगे क्योंकि a14 तक निकालना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अब a14, क्योंकि यहाँ पे a14 भी है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यानी 1/2 माइनस 3 × i, i का वैल्यू क्या 1 और प्लस ये है, j का वैल्यू क्या है 4। अब देखा जाए -3 × 1 - 4 + 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस पर 1/2 हो जाएगा क्योंकि 3 × 1 तो -3 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 हो गया। अब देखिए a14 तक हमको फाइंड हो गया, अब a21 निकालना है मुझे, a21 तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और j का वैल्यू 1, तो अब यहाँ देखिए 1/2 फिर क्या है बाबू -3i, तो -3 × i, i का वैल्यू 2, फिर क्या है प्लस जी, जे का वैल्यू क्या है 1, जे का वैल्यू 1 है। अब देखा जाए 3×2 = 6, 3×2 = 6 हो गया, -6 + 6 -5 होगा, लेकिन ये मॉड में है तो ये प्लस ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि 5 × 1 = 5 आनी चाहिए। अब देखिए a22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a22, तो a22 क्या, देखिए i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, तो 1/2। अब देखा जाए क्या है -3i + j, -3 × i, i का वैल्यू 2 और प्लस j, j का वैल्यू 2 है। अब देखिए 3×2 = 6, -6 + 2, -6 + 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 1/2 × 4, चूंकि मॉड में नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं, तो 2×2 = 4 बराबर कितना हो गया, a22 का वैल्यू क्या होगा। अब देखा जाए स्टूडेंट्स a22 निकल गया, अब क्या निकालना है मुझे a23, तो a23 निकालना है, तो a23 यानी क्या हो जाएगा 1/2, देखो -3i, -3 × i का वैल्यू क्या 2, तो 2 और प्लस क्या जी, जी का वैल्यू क्या 3। तो देखा जाए स्टूडेंट्स 3×6 - 6 + 3, तो ये -3 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लिखेगा क्योंकि मॉड में है, तो 1/2 × क्या हो जाएगा 3, तो ये 3/2 हो गया, ये क्या हो गया आपका 3/2 हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ a24 करेंगे, तो a24 करेंगे तो 1/2, ध्यान दीजिए क्या है -3i, -3 × i, i का वैल्यू क्या है 2 और प्लस j, j का वैल्यू क्या है 4। अब देखिए 3×2 = 6 - 6 + 4 ये हो जाएगा -2, लेकिन -2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड है, तो प्लस ही लिखेंगे, तो 1/2 × क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 1। अब देखिए a24 कंप्लीट और a31 में आ जाएंगे, a31 i का वैल्यू कितना है 3 और j का वैल्यू क्या 1, तो अब इसमें देखिए 1/2 - 3 × i, i का वैल्यू 3
अब प्लस क्या है, देखिए जी जी का वैल्यू वन है, जी का वैल्यू क्या है वन है, तो देखिए तृतीय नौ माइनस नौ माइनस नौ प्लस एक तो ये माइनस आठ होगा लेकिन निगेटिव नहीं लिखेंगे, तो वन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा एट, देखिए दो चौके आठ बराबर क्या हो गया चार। अब देखिए ए थ्री टू होगा, ए थ्री टू, आई का वैल्यू थ्री, जी का वैल्यू टू, वन बाई टू। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें आई का वैल्यू क्या है थ्री और जी का वैल्यू क्या है टू, तो आई का वैल्यू थ्री और जी का वैल्यू टू है, तो ये जो हो जाएगा देखिए क्या है माइनस थ्री आई, तो माइनस थ्री इंटू आई, आई का वैल्यू थ्री हो गया, अब प्लस जी, जी का वैल्यू क्या है टू है तो टू हो गया। देखिए तीन तीन नौ माइनस नौ प्लस दो तो ये हो जाएगा माइनस सात, लेकिन निगेटिव नहीं ले सकते इसलिए सेवन बाई टू होगा, क्योंकि सात गुना एक क्या हो जाएगा सात। तो अब देखिए ए थ्री थ्री होगा, ए थ्री थ्री हो जाएगा, अब ए थ्री थ्री होगा, आई का वैल्यू थ्री, जी का वैल्यू थ्री, तो वन बाई टू। अब देखिए माइनस थ्री इंटू क्या होगा, देखिए आई है, आई का वैल्यू भी क्या है देखिए थ्री है, प्लस क्या है टू, प्लस ये है, तो जी का वैल्यू इसमें क्या है थ्री, थ्री हो गया, तो यहाँ पे लिखा लिख दिया ना माइनस थ्री, यानी क्या हो जाएगा माइनस छः वाले के निगेटिव तो लिखेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा छः बाई छः बटे दो, दो तीन छः, यानी क्या हो जाएगा तीन। अब देखिए ए थ्री फोर होगा, ए थ्री फोर होगा क्योंकि अंतिम है, तो वही हो जाएगा वन बाई टू। अब देखो क्या है माइनस थ्री आई प्लस है, तो माइनस थ्री इंटू आई, आई का वैल्यू थ्री, और प्लस क्या है जी, जी का वैल्यू कितना ही चार है, तो अब यहाँ देखा जाए वन बाई टू। अब देखो तीन तीन नौ, अब माइनस नौ प्लस चार तो ये पाँच हो जाएगा, तो पाँच माइनस पाँच हुआ लेकिन निगेटिव में मॉड में निगेटिव नहीं लिख सकते, यानी पाँच बटे दो, यानी ए थ्री फोर का भी वैल्यू निकलेगा। अब आपको क्या लिखना है, इसे आव्यूह के रूप में लिखना, तो देखिए वो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ ये जो आव्यूह के रूप में मेरे पास प्राप्त हुआ, सबसे पहले देखिए ए आई जी के रूप में प्राप्त हुआ मेरे पास, सबसे पहले ए वन वन, ए वन वन का वैल्यू क्या है वन बाई टू, इसके बाद क्या है देखिए ए वन थ्री, इसका वैल्यू क्या है जीरो, ए सॉरी ए वन, ए वन इसका वैल्यू वन है, ए वन वन का वैल्यू क्या है देखिए वन है, ए वन टू का वैल्यू क्या है देखिए ए वन टू का वैल्यू वन बाई टू है, फिर देखिए ए वन थ्री का वैल्यू क्या है जीरो, जीरो हो गया, फिर देखिए क्या होता है ए वन फोर का वैल्यू क्या है वन बाई टू है, क्या वन बाई टू है, ठीक है ना। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए ए टू वन का वैल्यू क्या है फाइव बाई टू, फाइव बाई टू कर दिए, फिर क्या देखिए ए टू टू, ए टू टू का वैल्यू क्या है टू है, टू लिख दिए, फिर क्या होता है ए टू थ्री, ए टू थ्री का वैल्यू क्या है थ्री बाई टू है, अब थ्री बाई टू है। अब देखिए ए टू थ्री का, ए टू फोर का वैल्यू क्या है देखिए वन है, वन कर दी, फिर देखिए ए थ्री वन, ए थ्री वन का वैल्यू क्या है फोर है, फिर क्या देखिए ए थ्री टू है, ए थ्री टू का वैल्यू क्या है सेवन बाई टू है, सेवन बाई टू कर दिए, ए थ्री थ्री का वैल्यू क्या है थ्री है, फिर क्या देखिए ए थ्री फोर का वैल्यू फाइव बाई टू है, फाइव बाई टू कर दिए। चलिए यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे छः नंबर एक्सरसाइज तीन दस और एक है, छः में तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइड देखिए नंबर एक ये है, नंबर दो ये है, नंबर तीन ये, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें इन सबों में, तो सबसे पहले ये देखिए तुलनीय अवयव है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए वाई की जगह पर क्या है, यहाँ पे वाई की जगह पर क्या चार, तो वाई बराबर आपका क्या हो गया चार, और यहाँ जेड है, जेड की जगह पर क्या तीन, तो जेड बराबर क्या हो गया तीन। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या वन, तो एक्स बराबर वन आपका एक नंबर का आंसर हो गया। इसका ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू थ्री एंड जेड इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू फोर एंड जेड इक्वल टू थ्री। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ये मैट्रिसेस है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स है ना। अब ध्यान दिया जाए और फिर देखिए x into y equal to क्या है भाई, x into y equal to क्या दिया है, x into y equal to 8, x into y equal to क्या दिया है 1, यहाँ पे देखिए ये है और यहाँ पे देखिए ये है, ये दोनों तुलना होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखा जाए y equal to क्या लिख सकते हैं, ये देखिए प्लस x है, उसको लिख सकते हैं 6 माइनस x। अब देखिए x into y equal to क्या है 1, इसको मान लीजिए कि समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब चलिए समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समीकरण 2 से, समीकरण दो आपका क्या है x into y equal to 8, तो अब यहाँ देखा जाए तो x into y, y का वैल्यू क्या है 6 minus x equal to 8, देखा जाए x into 6, 6x, x into x, x square equal to 8, तो अब यहाँ देखा जाए ये minus x square उधर कर देंगे, ये plus x square, ये plus 6x है, उधर जाएगा minus 6x हो जाएगा। अब देखिए ये plus 8 equal to क्या हो गया 0, ध्यान दीजिएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर था उधर चला गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस सिक्स एक्स था उधर गया माइनस सिक्स एक्स, ये तो प्लस में ही रहेगा। तो अब यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखा जाए एक्स कॉमन ही दोनों के बीच में हो जाएगा, तो एक्स माइनस फोर अब माइनस टू कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ देखा जाए ये एक्स माइनस फोर कॉमन आ गई, एक्स माइनस फोर कॉमन आ गई, क्या हो गया x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो अब देखा जाए स्टूडेंट्स एक बार जो हो जाएगा
एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो और एक बार जो होगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा ना, तो एक्स बराबर चार और एक्स बराबर टू। तो एक्स का मान निकल गया, अब हमको वाई का भी मान निकालना है। तो देखिए वाई का वैल्यू, तो वाई बराबर क्या है, सिक्स माइनस एक्स, तो सिक्स माइनस एक्स, तो वाई बराबर क्या होगा छह माइनस चार, तो वाई बराबर दो। इसका मतलब जब एक्स का मान चार, जब एक्स बराबर चार तो वाई बराबर क्या हो गया दो। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ भी है, तो वाई बराबर आपका क्या है सिक्स माइनस एक्स है, सिक्स माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू दो, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया फोर। तो अब यहाँ देखा जाए कि जब एक्स बराबर दो तो वाई बराबर क्या हो गया चार, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या करा है कि जेड का भी वैल्यू, तो फाइव प्लस जेड इक्वल टू क्या है फाइव, फिर देखिए फाइव प्लस जेड इक्वल टू क्या है फाइव, अभी देखिए फाइव और फाइव कैंसिल, या प्लस फाइव जब उधर जाएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू जीरो आंसर। अतः एक्स बराबर आपका हो गया क्या हो गया चार, या एक्स बराबर चार दो, या एक्स बराबर दो वाई बराबर चार, और जेड बराबर क्या हो गया जीरो। ये तो समझ ही गया आप अच्छी तरीके से। अब देखिए आपका नेक्स्ट ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आप लोगों को कोई, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए x थर्ड नंबर यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले, देखिए क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है नाइन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन, इसको समीकरण एक मान लीजिए। फिर देखिए ये x प्लस जेड बराबर क्या है फाइव, x प्लस जेड बराबर क्या है, x प्लस जेड बराबर फाइव, इसको समीकरण दो मान लीजिए। और फिर y प्लस जेड इक्वल टू क्या है सेवन, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है सेवन, ये आपका समीकरण नंबर तीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि समीकरण एक को समीकरण एक में दो को घटाने पर, दो को घटाने पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन, ये समीकरण एक है आपका, समीकरण दो ही है, ये क्या है x प्लस जेड, x प्लस जेड इक्वल टू क्या है देखिए फाइव, अब माइनस कर रहे हैं माइनस 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 हो जाएगा, तो अभी देखिए प्लस जेड माइनस जेड कट गया, ये प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या बच गया वाई बच गया इक्वल टू नौ घटा पांच, क्या बचा तो वाई का वैल्यू चार हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं आप, पुनः देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण समीकरण एक में दो को तीन को माइनस करते हैं, तीन को घटाने पर यानी माइनस करने पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है नाइन, है ना। अब देखिए तीन को घटाना, किसको तीन को माइनस करना, तीन क्या आपका वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड है ना, वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है देखिए सेवन, तो अब देखिए माइनस 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 कर दिए, अब ये प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, यहाँ एक्स बच गया नौ में सात के बच गया, तो एक्स का मान निकल गया तो वाई का मान निकल गया चार, आपको किसका मान निकलना जेड का, तो समीकरण तीन से ध्यान दीजिएगा, समीकरण तीन से, समीकरण तीन आपका क्या है देखिए वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है सेवन। तो अब देखिएगा y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखा जाए y के जगह पर हम 4 कर देंगे प्लस z इक्वल टू 7, देखिए z इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू क्या हो गया 3, अर्थात x का वैल्यू क्या हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3 आंसर। चलिए स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि a माइनस ये सात नंबर एक्सरसाइज 3.1 का, a माइनस b इक्वल a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस d इक्वल टू माइनस 1 5 0 13, तो a b c d का मान याद करें, तो साफ पता चल रहा है कि देखिए a माइनस b इक्वल टू क्या दिया है माइनस 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और 2a माइनस b इक्वल टू क्या दिया है 0, 2a माइनस b इक्वल टू क्या दिया है 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस भी और प्लस भी कैंसिल होगा, ए में से 2a घटेगा क्या बचेगा माइनस ए बचेगा, अब देखिए माइनस ए घटा माइनस 0 ये माइनस ए, तो ये कैंसिल हो गया आपका a बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए समीकरण समीकरण एक में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर ध्यान दीजिए समीकरण एक में, समीकरण एक क्या है आपका देखिए a माइनस बी बराबर क्या है माइनस 1, तो a का वैल्यू क्या है देखिए 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 ये प्लस है उधर चला जाएगा क्या जगह माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस क्या हो गया 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया 2, a और b का वैल्यू फाइंड हो गया मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा,
अब फिर देखिएगा 2a plus c equal to क्या है 5, 2a plus c equal to क्या है आपका 5। तो अब यहाँ पे देखा जाए 2 into a, तो a का वैल्यू क्या है देखिए 1, 2 into 1 plus c equal to 5 हो गया। अब देखिए 2 गुना 1 तो क्या हो गया 2, अब plus c, तो c बराबर ये plus 2 उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 c बराबर कितना हो गया 3, c कम आ गया 3। अब देखिए 3c plus d equal to क्या है 13, अगेन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट 3c plus d equal to कितना है 13। अब देखिए 3 into c है, c का वैल्यू क्या है 3 plus d equal to 13। तो अब देखा जाए d equal to 3 क्या है 9 plus है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 13 माइनस 9, तो d बराबर कितना हो गया 4। अतः ध्यान दिया जाए a equal to हो गया आपका 1, b equal to हो गया आपका 2 और c equal to आपका क्या हो गया 3 एंड d equal to 4 आंसर। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स यहीं तक, पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोग के बीच आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।